नमस्कार साथियों, रीट शिक्षक भर्ती जो परीक्षा थी 26 सितंबर को रविवार के दिन ये परीक्षा आयोजित की गई थी, लेवल फर्स्ट और लेवल टू दोनों ही परीक्षाएं आयोजित की गई थी। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ को लेकर के काफ़ी चैनल वालों ने अलग अलग राय दी है। और इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको एक मेरे आधार पर और जिन भी विद्यार्थियों से मैंने जानकारी ली है उन्हीं के आधार पर मैं आपको एक ऑथेंटिक कट ऑफ बताने जा रहा हूँ लेवल टू की। उसके बाद में बात करेंगे लेवल वन की, पहले लेवल टू की बात कर लेते हैं। साइंस, मैथ और इधर SST सामाजिक विज्ञान, ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं क्या कट ऑफ है। और सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी अभ्यर्थी बोल रहे हैं पेपर इजी बिल्कुल भी नहीं था। पेपर इजी आपको लगता है पेपर इजी था, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि वो आपको लगा कि पेपर इजी है, जब आप घर पे आकर चेक करते हो, पूरी जानकारी लेते हो, तो आपकी जो मार्क्स है वो 110, 15, 20 पे ही आकर के अटक जाते हैं। उसी के आधार पर दोस्तों देखते हैं, UR जनरल जो कैटेगरी है साइंस मैथ वाले जो अभ्यर्थी है वो इस साइड देख सकते हैं। UR जो जनरल कैटेगरी है उनकी 122 से 124 तक की कट ऑफ आपकी रहने वाली है, जनरल कैटेगरी वाले जो अभ्यर्थी है साइंस मैथ से लेवल टू की। SST वाले हैं वो 125 से 127 कट ऑफ इस बार, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी आपकी 2018 से थोड़ी ज़्यादा जाने वाली है। उसके रीज़न यही है कि पिछले के मुकाबले इस बार जो कंपटीशन था वो थोड़ा ज़्यादा था, पिछले के मुकाबले पेपर भी थोड़ा इजी था। इसके अलावा ओबीसी अगर 118 प्लस आ रहे हैं अभ्यर्थी के, 118 से 120 के बीच में कोई भी अभ्यर्थी अगर आ रहा है तो उसका सिलेक्शन मान के चलिए, और अगर SST से है OBC तो 120 से 122 तक के अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका जो सिलेक्शन है वो एक ऑथेंटिक तौर पर फिक्स हो जाता है। अगर MBC की बात करें तो 116 से 118 और SST में अगर वो है तो 118 से 120। ये जो इस साइड वाली जो कट ऑफ है वो साइंस मैथ वालों के लिए है, और ये जो SST वालों के है लेवल टू की। अगर SC कैटेगरी का है तो 110 से 112 के बीच में मान के चलिए, और 110 से 112 ही मान के चलिए SST में SC कैटेगरी वाले। अगर ST कैटेगरी का है तो 108 से 110 और SST वाला है तो 108 से 110। इस प्रकार से आपकी जो कट ऑफ है वो रहने वाली है साइंस मैथ और सामाजिक विषय की। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा बहुत विषय के अनुसार थोड़ी जानकारी दे देता हूँ कि किस विषय में कितनी आपकी कट ऑफ रहने वाली है। अगर किसी अभ्यर्थी के हिंदी में मार्क्स 30 में से 27 मार्क्स आ रहे हैं तो उसका हिंदी का पेपर बिल्कुल ही सही हुआ है। अगर हिंदी में 27 आ रहे हैं 30 में से, तो हिंदी का पेपर उनके लिए सही माना जाएगा। 30 में से 24 से 27 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपका पेपर बिल्कुल ही सही हुआ है। और साइंस मैथ वाले के जो उनका सब्जेक्ट था 60 में से अगर आप 45 प्लस आ रहे हो तो आपका पेपर बिल्कुल ही ठीक हुआ है। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।